रोज जाके सुल्तानी दूरा चलत जवनिया के लहरा हो लगता नहीं कर जाए पारा हो ओ चढ़त जवनिया के लहरा हो लगता नहीं चढ़ जाए पारा हो समय नहीं छोरा में समय नहीं रसैया हो सुतला तनी तोरा सभी को सुना रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़े कलाकार हैं। और क्या, क्योंकि इनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेटा, सम्मानिए हमारे अंकल साहू साउंड सर्विस लालगंज, उनके द्वारा ये एक पुष्पमाल और एक से एक मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। आशीर्वादी कामना चाह रहा हूँ। हाँ। कहीं ना क्या खबर है क्या, क्यों तिल का ताड़ बनाता राई का पहाड़ बनाता बिन तात की ढपली बजाता बिन तात की ढपली बजाता तो तू चोर है दाढ़ी में तिनका तृण तृण में बेभाव है उनका तो ना जाने वो अब तारी क्या तुमको मालूम नहीं है क्या? ना जाने वो अब तारी तो क्यों हर लाए नाथ हरी किनारी
ओ क्यों हर लाए नाथ हरि की नारी। मेरी ओर से टूटा फूटा खंड गीत रहा। हाँ। बड़ा सुंदर सा जवाब लेकर हाँ। कौन समझदार, बेटे से बढ़कर कौन हकदार और पत्नी से बढ़कर कौन सलाहकार के गीत में आपने लिखा है कि धरा से बड़ी है माँ का स्थान, पिता है ऊंचा नीचा आसमान। बहुत ही सुंदर। और इसमें पत्नी बढ़ाती है परिवार, औरत उसी को कहते हैं, बेटी होती है पहले। औरत की कब होती है कोई बताएगा? नहीं जानता है। जब वो अपने घर की दहलीज क्रॉस करती है, औधन रथ दूसरे में मिल जाती है तो औरत कहलाती है। फिर विवाह होता है, पत्नी बन जाती है। जब एक दहलीज के अंदर घुसती है मटके को गिरा के, है ना, और फिर जन्म देती है, पत्नी बनने के बाद बहू, बहू के बाद फिर माँ, और इस तरह सबला नारी, अबला नारी सबला हो जाती है। दो परिवार की ताकत मिल जाती। तो औरत के कई नाम है, कई पर्यायवाची शब्द है। बहुत अच्छी गीत में व्याख्या किया गया आपने। और जबकि इन्होंने कह दिया था कि हम माई के जवाब में भाई लाए थे, तो फिर रास्ता तो बंद था, लेकिन आप भाई के जगह बहन लाए, वो भी अच्छा है। क्योंकि यदि मर्यादा की बात की जाए तो रामायण की बात आती है, और जर जोरू जमीन की लड़ाई की बात हो तो महाभारत की बात आती है। और जर जोरू जमीन को त्याग कर भ्रातृत्व प्रेम देखना है तो रामायण होता है। एक सच्चे परिवार की संज्ञा यदि देखनी हो तो रामायण से अच्छा कोई परिवार नहीं मिलता। जहां दास तक, हनुमान जी जो दास हैं वो भी अपनी अनुपम चरित्र, और कहते हैं कि चरित्र ही सबसे बड़ा इत्र है मित्र, चरित्र ही सबसे बड़ा इत्र है मित्र, जिसकी खुशबू यत्र तत्र सर्वत्र फैलती है और यदा कदा नहीं सर्वदा रहती है। तो इसलिए चरित्र से बड़ा इत्र आज तक कोई बना ही नहीं है मित्र, है ना। और उसमें बहन, आपने चारों बहनों को दिखाया, सीता को दिखाया, उर्मिला को दिखाया, ये सही बात है। उर्मिला भोजन ही नहीं नींद त्यागी थी, वो भी जागी थी, और ये बहुत बड़ी बात है। वो सोई थी सॉरी, और यहाँ लक्ष्मण जागे थे। 14 वर्ष नींद नारी भोजन त्यागे थे तब जाके मेघनाथ को मारने के सक्षम बने थे। और साथ में फिर मांडवी का भी आया, तो मांडवी महलों में ही रहते हुए लेकिन वो पति से दूर तो रही। और 14 वर्ष ही क्यों मांगे गए? क्योंकि त्रेता में 14 वर्ष में किसी भी जमीन पर कोई दाखिला नहीं देगा तो जमीन दूसरे की हो जाती है। फिर द्वापर में 1 वर्ष कम हो गया, 12 वर्ष का वनवास मांगा गया, 1 वर्ष का ज्ञात वर्ष। 13 वर्ष में कोई नहीं आया तो जमीन दूसरे की हो जाएगी, इसलिए 13 वर्ष उनको मांगा गया था। फिर वो अब 12 वर्ष हो गया, 1963 एक्ट के अनुसार 12 वर्षों तक कोई प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करता है तो प्रॉपर्टी दूसरे की हो जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये सभी बातें आती। और 14 वर्ष में एक और कथानक आता है कि जो खड़ाऊ था वो खड़ाऊ बनी थी तारिका के हड्डी से, और तारिका के हड्डी उनको वचन दिए थे दशरथ जी कि 14 वर्षों तक आप राज्य करोगी, लेकिन मर जाने के बाद उनकी हड्डी से बने हुए खड़ाऊ को भरत जी लेकर आते हैं और फिर सिंहासन पर रखते हैं, और ये भी शास्त्र में हमारे वर्णन होता है। तो बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद बहुत अच्छा विंध्याचल और ये सब कटपीस गीत गाते हुए तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो मैं इनके लिए भी एक शायरी बोलूंगा, सुनिएगा जी सभी के लिए, लेकिन इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। आप तो आप हैं, आपकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे उभरते कलाकार हैं, तो भले ही कोई इनको राई समझे मगर ये पहाड़ से टकरा जाएंगे। तिल है ताड़ से टकरा जाएंगे, यूपी है बिहार से टकरा जाएंगे, अपने पर आए तो एक हैं लेकिन हजार से टकरा जाएंगे। और किनारा समझकर इनको कोई किनारा ना करे, किनारा समझकर इनसे कोई किनारा ना करे, ये वो किनारा है जो मझधार से टकरा जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। रोहित इंडियन जी के लिए जोरदार ताली, और बहुत सुंदर ये अच्छा गा रहे हैं, बहुत सुरीले गायक हैं। माता रानी सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, और बहुत आगे जाएंगे। अभी तो उम्र ही क्या है, इस उम्र में तो आदमी 10वीं 11वीं का रिजल्ट भी बराबर नहीं लाता है। चलिए मंच पर मैं बुला रहा हूँ आदरणीय पंडित पप्पू शर्मा भैया, विनू वाजपेयी भैया एवं अन्य साथियों का
सभी को, और सम्मान में भैया आप आ जाएं, क्योंकि है ना, आ जाइए आप लोग। हाँ वीरेंद्र भैया आए हैं कि नहीं, और कहीं चले गए आप, 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 आप कीर्तनकार आयोजक और सबसे बड़े कीर्तन प्रेमी, एक अच्छे इंसान व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, हर जगह आप लोग पहुंचते हैं और अपने आशीर्वाद से, अपने हौसला अफजाई से गायक कलाकारों का भी हौसला बढ़ाते हैं। आप जैसे ही चाहने वालों की चाहत से ये कीर्तन जिंदा है। इनका सम्मान में ताली बजा दीजिए, जिनके हाथ में चाय हो वो छोड़कर बजाइए, लेकिन बजाइए जरूर, बिना चाय वाले तो बजा दो, चलो लोग ही कम हो गए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और दूर दूर तक भैया जाते हैं, दूर दूर तक हर जगह मिलते हैं, कलयुग के हनुमान हैं आप लोग, जहां भी राम कथा होती है वहां पहुंचते हैं, है ना जी। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बहन स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, कीर्तन जगत की अर्थात राखी आजाद जी, एक जोरदार तालियों से उनका सम्मान के साथ बुलाइए। चारों ही धाम माता पिता के चरणन मां, बढ़िया जवाब आया है, बढ़िया। क्या आया है जवाब बताओ तो, पहले भी आता। पत्नी बढ़ाती है परिवार, क्या बात, बेटा करता है पिंडदान, पिता ऊंचा नीचा आसमान, धरा से बड़ा है माँ का स्थान, धरती से बड़ा माँ का स्थान है, इसी को तो कहते हैं संसार। धरा से बड़ा माँ का स्थान है, वैसे आचार्य जी धरती, धरती को भी तो माँ ही कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, धरती माता वो भी तो माँ ही है। सही है, फिर धरती से बड़ा माँ का स्थान, धरती भी तो माँ है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, छोड़ो छोड़ो, चलो परेशान ना हो अच्छे तुम लोग। हाँ लेकिन बच्चे को हड़काना नहीं है, बस बढ़िया कट पीस आया है। कौन सा बेटे, कहा गया क्या बेटे, क्या कहा गया, क्या कहा गया, तू चोर है दाढ़ी में तिनका, समझा रही है क्या, क्या समझा रही है, क्यों तिल का ताल बनाता, तू चोर है दाढ़ी में तिनका, न जाने वो अब तो क्यों हर लाए, ए स्वामी आ, अरे क्यों हर लाए
दुनिया उनकी नारी। क्यों हर लाए नाद हर की नारी, तो क्यों हर लाए नाद हर की नारी। क्यों हर लाए नाद उनके नारे, क्यों हर लाए नाद उनके नारे। क्यों हर लाए नाथ हरि की नारी। रावण ने कहा ए नारी, ए नारी, मुझे तू क्या अज्ञानी समझ रही है। चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराणों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान ये दशानन, और कह रही कि तू क्यों हर लाए हरि की नारी। अरे उनकी नारी का हरण भी मैंने किसी कारण से किया है। इसे मंदोदरी इतना समझाए नहीं है चल। और देखे कारण क्या है, क्या रावण कहने लगा, क्या नारी तू बड़ी अनारी। नारी तू बड़ी अनारी, मैं जानता वो अवतारी। मैं जानता हूँ कि वो परमपिता परमात्मा के अवतार हैं। और मुझे क्या बेवकूफ समझ रही है। नारी तू बड़ी अनारी, मैं जानता वो अवतारी। और सुनो, सुनो, ये सब मैंने क्यों किया, क्यों के तरने हैं सब परिवारी। तरने हैं सब परिवारी, अरे केवल मेरा नहीं पूरे परिवार का तारण धारण होना है। तो तरने हैं सब परिवारी, ना समझे नीति हमारी। तू मेरी नीत को नहीं समझ पाएगी ना बेटे, ना समझे नीति हमारी। तो सुन मंदोदरी, हरी है इसीलिए, ऐ मंदोदरी, हरी है इसीलिए हमने उनकी नारी। तो हरी है इसीलिए हमने उनकी नारी। हरी है इसीलिए हमने उनके नारे, हरी है इसीलिए हमने उनके नारे। और ये हमारे भतीजे, वाह बेटा वाह वाह, ये हमारे भतीजे जो YouTube चैनल आप देख रहे हैं, देख रहे हैं भक्ति रस YouTube चैनल, बहुत बिजी भरे। और ये हमारे तानू भैया जो हमारे भतीजे हैं, और हमारे उमेश भाई साहब के सुपुत्र हैं, हमारे भी सुपुत्र। लेकिन रात भर जो रिकॉर्ड किया गया है मंजू देवी, इसको नहीं डालना, इसको काट देना, नहीं इसको डाल देना। हालांकि YouTube में डाल देना, लेकिन पहले से मम्मी को बता देना कि तुम्हारे लिए नहीं मंजू भैया के लिए कहा जा रहा था। नहीं तो उमेश भैया कीर्तन आना बंद कर दे, क्योंकि हमारी जो भाभी जी उनका भी नाम है मंजू देवी। राज खुल गया।
तो मंदोदरी से कहा रावण ने क्या, हरी है इसीलिए हमने उनकी लाई, हरी है इसीलिए हमने उनकी लाई, हरी है इसीलिए हमने उनकी लाई, हरी है इसीलिए सरकार की। जय हो।